वे कालिया दह का समीप में उपस्थित हुए। उसी समय कृष्ण चंद्र, उसी समय श्रीमती राधा रानी भी वो कालिया दह में उपस्थित हुई थी। जिस समय कृष्ण चंद्र ने वह श्रीमती राधा रानी को दर्शन किए, दर्शन करने के बाद कृष्ण जब चले गए, तब कृष्ण एक समय बोल रहे हैं, सुबल सखा, मेरा जो प्राण है, एक कालिया नाग को नत्ते समय मैंने एक दिव्य एक किशोरी को मैंने दर्शन किया है, जो किशोरी ने हमारे मन प्राण और चित्त को सब कुछ चुरा करके ले गई। इसलिए जब तक हम उनको साथ में नहीं मिलता हूँ, तब तक मेरा प्राण रहना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी तरह से वो जो किशोरी के साथ में मुझको मिलाओ। अभी सुबल सखा ने कहा, भाई हम उनको साथ में कैसे मिलाए, क्योंकि वो तो राजघर के रानी है, वो तो राजघर के लड़की है, इसलिए उनको साथ में तो मिलना कष्ट है। और इधर एक समय श्रीमती राधा रानी ललिता को बोल रहे, कहते ललिते, कहते मैं ये प्राण धारण नहीं करूंगी। कहते क्यों? कहते देखो, एक समय मैंने एक बंसी की मैंने तान सुना है, मैं तो हिंदू घर का मैं लड़की हूँ, नियम होता है हिंदू का जो महिला है स्त्रियां हैं, वे एक पुरुष को चरण में ही अपना मन प्राण चित्त को समर्पण करते हैं। लेकिन हम तो हिंदू घर का नारी हूँ, लेकिन मेरा मन तीन तीन पुरुषों में मेरा मन बट गया है, इसलिए मैं तो असती हो गई, तब ये प्राण क्यों धारण करूंगी। तब ललिता बोलती है, भाई कौन सा वो तीन तीन पुरुष है? कहते देख, मैंने एक बंसी की मैंने तान सुनी है, जब से मैंने वो बंसी का तान सुनी, तभी से मेरा मन प्राण चित्त तो वही बंसी की तान ही वो हरण करके ले गई। जो बंसी के तान को संबंध में हमारे रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, रुंधन भूभृत चमत्कृत परम कुर्बन मोहस्तुम्बुरु ध्यान दंतरेन सनदन बुखान विष पापयन बेधसम। कहते कृष्ण जब हुए बंसी में क्लिंग शब्द को उच्चारण करते हैं, जो क्लिंग शब्द हुए जा करके कैसे सनक सनातन का ध्यान को तोड़ देते हैं, शंकर जी को हृदय में भी हुए गोपी भाव को जगा देते हैं, जहाँ पर स्वयं शंकर वृंदावन में गोपीश्वर महादेव रूप में स्वयं वहाँ पर आए हैं। कहते वो तान जब ब्रह्मा जी को कर्ण विवर में प्रवेश करता है, ब्रह्मा जी की ध्यान भी वो बंसी की तान तोड़ देते हैं। कहते वो बंसी की तान मेरे हृदय को भी तोड़ दिए है, इसलिए मेरा मन तो वो बंसी बारव को चरण में सौंप दिया है। कहते और एक कौन पुरुष है? कहते हैं चित्रा ने एक चित्र अंकन किया था, तस्वीर एक चित्र अंकन की, जब से मैंने वह चित्र को देखा, तभी से मेरा मन प्राण चित्त वही चित्र में ही लग गया है। पता नहीं वह स्वरूप में क्या दिव्य छटाए हैं, उसमें क्या रस है, जब से मैंने उसको देखा, कहते मेरा मन तो चलायमान हो गया है, मेरा मन तो वो पुरुषों के चरण में मेरा मन चला गया, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं माँ प्रेक्षा सखे यदि बंधु संग अस्थिरंग। कहते भाइयों खबरदार, वो वृंदावन में गोविंद देव का दर्शन मत किया करो, वो रूप को देख करके फिर तो तुम्हारे सारे संसार दुनियादारी में तुम्हारा जो प्रीति है वो प्रीति तुम्हारी खत्म हो करके उनके चरण में रम जाएगा। कहते और एक कौन पुरुष है? कहते हैं ये तुमने एक कृष्ण का नाम किसने सुनाया? जब से मैंने वो कृष्ण नाम को सुना, तभी से पता नहीं मेरा कान में कृष्ण नाम गया और हृदय को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव नृत्यनुते तुंडा बलि लब्ध है। कहते जो कृष्ण नाम कर्ण में प्रवेश करने पर, कहते जीवा में ऐसे लगता है हमारा करोड़ जीवा हो जाए, जब कर्ण में प्रवेश करता है ऐसे लगता है सारा शरीर में क्यों कान कान नहीं हो गया, हृदय में जब प्रवेश करता है, कहते हैं ये हृदय प्राकृत इंद्रियों को बस दमन करके अप्राकृत इंद्रिय की अनुभूति ला देते हैं। कहते हैं मेरा मन तो तीन तीन पुरुष में बट गया, मैं अभी क्या करूं। तब ललिता बोल रहे हैं पागली, ये वो कोई तीन पुरुष नहीं है, जिनका तुम नाम सुने, जिनका बंसी सुने और जिनका तस्वीर देखे हो, वो एक है, वो तीन नहीं है। कहते वो कौन है? कहते कृष्ण है। कहते उसको साथ में मुझे मिलाओ। कहते तुम तो राजा घर की लड़की हो, कृष्ण भी राजा घर के वे भी लड़का है, तुम्हारा तो मिलना बड़ा कठिन है। तब इधर ललिता को राधा जी बोलते हैं और उधर सुबल को हमारे कृष्ण बोलते हैं।
इधर सुबल और राधा, ये हमारे ललिता दोनों मिल करके, और ये जो स्थान हम आए हैं ये संकेत हैं। कहते पहले राधा कृष्ण का जो सर्वस पहले जो सबसे पहले जो मिलन है, कहते इसी वन में ही पहले राधा कृष्ण पहली बार मिले। इधर से कृष्णचंद्र को ले आते हैं सुबल सखा, और इधर से राधा रानी को लाते हैं ललिता, और ये जो स्थान है वो राधा कृष्ण का मिलन स्थान है, इसलिए ये स्थान भी संकेत है। और हम लोगों ने यहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि देखे हैं, जिसको इनको अष्टक में कहते हैं, हे राधे ब्रज देव के च ललिते, हे नंदन सुनकुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालेन्दी बन्य कुत, घोषंतांग मित सर्वत ब्रजपुरे खेदर महाविहलो, बंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। ये हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनको जीवन में हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कहते कौन सा शिक्षा है, हम तो कुछ गोपाल भट्ट गोस्वामी का मंदिर में बताया था। कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वे पहले श्री संप्रदाय में ही अंतर्भुक्त हुए थे। नियम होता है एक संप्रदाय में प्रवेश करने का बाद फिर दूसरे संप्रदाय में नहीं आनी चाहिए, लेकिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ शिक्षा देते हैं, अधिकंतु न दोषाय, अगर हम किसी संप्रदाय में प्रवेश किए थे उससे अगर श्रीमन महाप्रभु का संग से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो विशेष महत्व है, जब वे श्रवण किया तभी उन्होंने श्री संप्रदाय से पुनः श्रीमन महाप्रभु का भाव धारा, और श्री राधा कृष्ण का जो रसमयी उपासना है वह रसमयी उपासना में वे पुनः आए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमको कोई उन्नत कोई संप्रदाय व उन्नत कोई संत मिले, अगर उनको भाव धारा से भक्ति धारा से अवगाहन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। और हम तो वृंदावन में सुनाया था कैसे कैसे हुए हमारे राधा रमण को प्रकट किए, श्री रामचंद्र प्रभु थोड़ा बोल देंगे, वंशाकल कृपा सिंधु भाई बचा पता नम पावन भो इसने वो नम।